इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है? कल को हमने सोयाबीन में अमेरिकी वायदा में अच्छी तेजी आते हुए देखी थी, वहीं से अब देख रहे हैं कि अभी भी ठीक ठाक तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन NCDX पर 7900 का लेवल तोड़ने के बाद सोयाबीन में कुछ नरमी देखने को मिली। आपको क्या लगता है रूपा जी, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं तो क्या सोयाबीन का बाजार अभी थोड़ा कुछ नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से जो तेजी है वो कंटिन्यूशन में रहेगी? देखिए अभी थोड़ा करेक्शन आ सकती है एडिबल ऑयल पैक के अंदर, और एडिबल ऑयल पैक के साथ साथ सभी कमोडिटीज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सभी कमोडिटी जो है अभी उसी न्यूज डेस्क मार्केट जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट वापिस से उन्हीं स्थिति के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर स्थितियों में सुधार आता है तो वापिस से सभी कमोडिटीज के अंदर, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो, या फिर सीपीओ हो, या फिर सूरजमुखी का तेल, सभी में बाजारों के अंदर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,